ऐसा वीडियो है जिसके ऊपर खासी बातचीत हो रही है जब से ये सामने आई है। कल से लेके अब तक बहुत हंगामा हो गया, लेकिन इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। और अब लोग ये सवाल करते हैं कि अरे भाई यहाँ तक हम तो पहुँच नहीं पाए, अरे भाई इन वजीर मौसूफ से हम तो मिल नहीं पाए। आप कैसे चली गई हरीम? आज कोशिश करेंगे ये सारी बात भी कर लें। Exclusively on नया दिन लाइव हमारे साथ कुछ देर में होंगी हरीम शाह, तो जरा पूछेंगे कि अगर वो ये समझती हैं या ये कहती हैं कि कोई भी जा सकता है, कोई भी पहुंच सकता है, तो हम उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर फिर वो रेसिपी क्या है वहां पहुंचने की, कौन सा रास्ता है जो वहां तक लेकर जाता है। फॉरेन ऑफिस की फोटेज आपको दिखा रहे हैं। वैसे हर शहरी अमूमी तौर पर ख्वाहिश रखता है कि वो प्रेजिडेंट ऑफिस जाए या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट जाए या फॉरेन ऑफिस जाए या ऐसी जो भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर जाए, रेड जोन में जाए, लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन होता है। बहुत मुश्किल होता है, इनके लिए आसान है। तो जो खबरों की जीनत बनी, सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल हुई, तनकीद भी हुई, कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया आखिर कैसे पहुंची, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर करेंगे हरीम शाह से सवाल। हरीम शाह को गुड मॉर्निंग के गुड मॉर्निंग का वक्त आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हरीम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे के सारे लोग ठीक है। पहले ना ये इस सारे वीडियो के बारे में बात करने से पहले मुझे ये बताइए, ये आप जहाँ जहाँ जाती हैं खबर बन जाती है, ये इत्तेफाक होता है या आपका आइडिया क्लिक कर जाता है? इत्तेफाक होते जी, मेरा क्या आइडिया होने, मुझे तो पता भी नहीं चलता जब। अच्छा जी, अच्छा हरीम, आप किन पूछना चाह रही हैं? मैं बस यही पूछना चाह रही थी कि हरीम, दूसरे पाकिस्तानियों के निस्बत आपको सहूलत रहती है? हाँ, ये बताएं सहूलत कैसे है? सहूलत मैं भी आम पाकिस्तानियों की तरह हूँ, जैसे औरों को करना पड़ता है मैं भी वही करती हूँ। कोई ऐसा खास अच्छा। मौजज़ा या कोई ऐसी खास करामत तो है नहीं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूं या आप लोगों को। अच्छा हरीम, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आप भी आम पाकिस्तानी हैं, कोई भी वहां पहुंच सकता है, जो लोग नहीं जानते कि कैसे पहुंच सकते हैं वहां पर, कैसे मुलाकात कर सकते हैं लीडर्स से, थोड़ा सा उनको बताएं कि कैसे पहुँच सकते हैं? आप तो बेहतर जानते हैं ना, ये सहाफ़ी भी तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं इंटर होते हैं। तो हरीम मैं तो गया हुआ हूँ, ज़ाहिर है मैं तो गया हुआ हूँ, सहाफ़ी का जाना आसान होता है क्योंकि कभी मीटिंग हो या कोई इवेंट हो, हमें भी बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, विदाउट कार्ड तो हम भी नहीं जाते। तो मैंने भी विदाउट पास तो नहीं गई, आपको क्या लगता है कि मुझे मतलब कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ी होगी या गेट से मैं ऐसे ही? अच्छा, ये बड़ी आपने अच्छी बात बताई। तो ये बताएं ना हरीम, मैं ये नहीं, इस तरह नहीं पूछ रहा कि आप कहें कि जर्नलिस्ट को बताना है, मैं चाह रहा हूं कि आप पाकिस्तानियों को बताएं, यानी आवाम को बताएं कैसे। ओए नहीं, रुक जाएं आप ना, मुझे एक और सवाल आप हरीम से करने दें पहले प्लीज। हरीम मुझे ये बताएं, अभी हम लोग ना डिस्कस भी कर रहे थे इसको, इतनी तनकीद की जा रही है कि आखिर हरीम कैसे चली गई, हरीम हर जगह कैसे चली जाती है। आपने आपको कुछ कमेंट्स आपको भी आप तक भी पहुंचे, आप तक ये फीडबैक पहुंचा, लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं। देखें क्या जवाब, तनकीद करना बहुत आसान है, तनकीद करना और दूसरों के पीछे लगना ये तो बहुत आसान सी काम है। हम फारग लोग हैं, हमारे पास कुछ करने को होता नहीं है और ये हमें सबसे ज़्यादा आसान काम लगता है कि किसी के पीछे भी बोलना या हमें ऐसी कोई ना कोई बात मिल जाए कि जिससे हम दूसरों की इज्जत उछाल सकें। तो मेरे ख्याल में मुझे किसी भी इंसान की या लोगों की बातों की परवाह ही नहीं है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। मैं ये कहती हूँ कि मैं खुद कैसी हूँ, मेरे अपने अमाल कैसे हैं और मैं मेरा अपने अल्लाह के साथ क्या कनेक्शन है। बाकी लोगों को लोगों की किसी भी बात का मैं कोई भी जवाब नहीं देना चाहती और मैं लोगों की जवाब की मिजाज भी नहीं हूँ कि मैं हर एक इंसान को अंदाज़ा था आपको मैं कैसे गई, क्या आप जाएंगी और वीडियो बनेगी और वो लोग उसको कैसे देखेंगे? नहीं जी, सीरियसली मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। देखें, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने के लिए गई थी और शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे वालिद की जगह है, मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट हैं और मेरे फेवरेट हैं। उनसे मुलाकात के लिए मैं गई थी और जैसे सब गेट से एंटर होते हैं उसी गेट से मैं एंटर हुई थी और जैसे सब अपनी आइडेंटिटी शो करते हैं, मैंने भी वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी शो की, मैंने भी अपने वहाँ पे कार्ड वगैरह दिखाया, सब कुछ किया, मैं अंदर इंटर हुई और इंटर होने उन्होंने आपसे पूछा नहीं आप मिलना चाह रही हैं, देखना चाह रही हैं, किस सिलसिले में?
तो या उन्होंने मुझसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि शाह साहब वहाँ पे मौजूद नहीं है, और मैं खुद वहाँ पे गई तो शाह साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो मुझसे पहले मतलब वहाँ से निकल चुके थे, यानी पहले मीटिंग या जो भी और मेरी मुलाकात एंगेजमेंट थी वो खत्म हो चुकी थी, वो नहीं थे वहाँ पर, वो वहाँ पे खुद मौजूद ही नहीं थे। अच्छा, ये जो आपने कहा हरीम के कोई भी जाता है जाहिर है वो अपनी आइडेंटिटी दिखाता है, आपने भी अपनी आइडेंटिटी दिखाई, दैट मीन्स आपने अपना आईडी कार्ड दिखाया। आप मेन गेट की बात कर रही हैं या जिस रूम के अंदर आप गई, जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसकी बात कर रही हैं? मेन गेट की बात कर रही हैं। अच्छा, तो चले मेन गेट पर, तो आपने जिस तरह बताया कि आईडी कार्ड चेक हुआ, आपने आइडेंटिटी शो किया, आपने बताया मैं मुलाकात करने, आगे से जो भी रिस्पॉन्स है, आप चले गए अंदर, तो अंदर जिस रूम में आप गई जहाँ की वीडियो है, वहाँ पर दाखिले के वक्त कोई था, किसी ने रोका या नहीं, वहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई भी जा सकता है अंदर, इट्स सो ईजी? देखिए वहाँ पे सब मौजूद थे, वहाँ के लोग थे, कहीं भी आप जाते हो तो वहाँ का अमला तो मौजूद होते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे भी सब लोग मामूल के मुताबिक अपने काम कर रहे थे और सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, सब अच्छा, लोग अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। ठीक है, यानी किसी ने रोका नहीं, किसने किया वहाँ पर, सॉरी ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा कोऑपरेट किसने किया, सबसे ज़्यादा थैंक्स आपने किसको किया जाते वक्त कि भाई आपने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, या आपने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं इजीली यहाँ पर अच्छी तरह से इस जगह को देख पाई? मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मुझे किसी ने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जो मैं आपको, कुछ नहीं बताया किसी ने। हाँ तो हरीम, वैसे अगर गाइड नहीं किया तो वहीं आप रैंडमली गए, आपको मालूम नहीं था कि कौन सा रूम है, ये कौन यहाँ बैठता है, यहाँ पर क्या होता है, आप बस रैंडमली गई, आपने वीडियो बनाई और आ गई, ऐसा है? जी मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे वो मुझे पता चला वो वहाँ पे नहीं है, और वो यहाँ से मतलब किसी आउट ऑफ स्टेशन चले गए। अच्छा। यहाँ पे मौजूद नहीं, तो मैं वहाँ पे गई और मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया, और जब मैं वीडियो बना रही थी तो अगर कोई ऐसी बात होती कि मुझे पता चलता कि यहाँ पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए या ये कोई रिस्ट्रिक्शन एरिया है, ओके, यहाँ तो बना नहीं है, तो वहाँ पे मतलब मैं बिल्कुल ना बनाती, और वहाँ पे मुझे अगर कोई भी मना करता और वहाँ पे उस रूम के अंदर और कोई नहीं था, तो मैंने सब के सामने, जी बिल्कुल उसके रूम के दोनों डोर ओपन थे और मतलब हर साइड पे वहाँ पे लोग मौजूद थे, वहाँ पे लाइक रूम के बाहर मौजूद थे लोग, मौजूद थे या रूम के अंदर भी मौजूद थे? और रूम में जी, मैं जब वहाँ पे थी तो सब मुझे यानी हरीम स्टाफ जो होता है वो अंदर भी था बाहर भी था, जो रूटीन के उनके काम है वो कर रहा था, और किसी ने रोका नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं था वहाँ पे? जी मुझे किसी ने भी नहीं रोका। तो हरीम, आपको लगा नहीं कि आपने उनमें से किसी से भी नहीं कहा कि भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं भी यही जॉब करती हूँ, मैं भी यही पर काम करती हूँ, मैं आ रही हूँ? देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं कोई इतना बड़ा मैंने कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया, हम इतने बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं तो हमारी अल्लाह तबारक व तआला पकड़ नहीं करते हमें, दर्द यही तो वजाहत ले रहे हैं आप, ताकि लोगों को मालूम हो कि मेरी बात सुने, इतना हम मतलब अल्लाह तबारक व तआला के उसमें हम इतने बड़े बड़े गुनाह करके हम बच जाते हैं, हम मतलब अल्लाह तबारक व तआला हमारी पर्दापोशी करते हैं, तो एक आम इंसान, वहाँ तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने वहाँ पे जाके कोई ऐसा बिल पास नहीं किया, मैंने वहाँ पे जाके वहाँ पे कोई मैं बम धमाका करने या कोई अपने साथ ऐसी कोई चीज लेके नहीं गई कि मैंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, तो फिर मुझे क्यों रोकते या मुझे वहाँ पे क्यों न जाने दिया? तो यही तो आपसे पूछ रहे हैं हरीम हम, के फिर जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो तो गलत कर रहे हैं, जिस तरह आप खुद भी जवाब भी दे रही है, तो जो तनकीद कर रहे हैं उनको क्या कहेंगी? देखें जो तनकीद कर रहे हैं ना, अगर हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं या हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं या हम अपने आप को बहुत पाकीज़ा समझते हैं, तो जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी किसी पे तनकीद नहीं करते, जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी ज़बान से कभी किसी के बारे में कोई बेहूदा अल्फाज अदा नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है, वो खुद मतलब उनके अंदर इतने एथिक होते हैं कि किसी के साथ गलत बात नहीं करनी, किसी को गलत बात नहीं करनी, किसी की किफत नहीं करनी, ये वो सब गुनाहों से बचते हैं, तो वो खुद इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि किसी को गाली देने वाला वो खुद को बहुत शरीफ कहेगा या वो ये समझेगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ? जैसे इंसान होता है उसकी ज़बान वैसी ही होती है, और इंसान की ज़बान उसकी पर्सनैलिटी की अक्कासी कर रही होती है, जो हम मुँह से बकवासात कर रहे होते हैं या किसी के बारे में कुछ भी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा अपना किरदार जो है वो ठीक नहीं, हम खुद ठीक नहीं, हम खुद जैसे होंगे, हम जैसे खुद होंगे तो हम जैसे खुद होंगे हम दूसरे को ऐसे ही समझेंगे, अगर हम खुद बुरे हैं, हमारी सोच गंदी है, हमारे दिल के अंदर गलाजत है, तो हम अगले इंसान को भी ऐसे ही समझते हैं कि वो ऐसे।
चले ये तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, जितने लोग आप पर तनकीद कर रहे हैं उनको वेरी गुड। अब ना अच्छे बच्चों की तरह से ना आम पाकिस्तानियों को, नया दिन के नाज़रीन को बताएं, वो भी जाना चाहते हैं ना उस मकाम तक, वो भी देखना चाहते हैं। तो अब हरीम हमको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपने कैसे, आप चलिए मुझे इतना आसान करके बता दें, मैंने फला जगह खत लिखा या ईमेल की या मैसेज किया और इजाज़त तलब की, उसके बाद मैं गेट तक पहुंची, वहां पर जाके क्या हुआ, फिर मैं उस ऑफिस तक कैसे पहुंची, ये बड़ा स्टेप बाय स्टेप करके थोड़ा सा सिखा देना, बता दें सारे के सारे लोगों को। ओके, मैं आपको बता देती हूँ, और मैं बता देती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ कि मैं कोई झूठ बोलूँगी, या मुझे किसी का कोई ऐसा डर भी नहीं है कि मैं किसी को वो करूँगी। अब कोई इंसान मेरे पीछे नहीं है, कोई मेरा ऐसा सोर्स नहीं है जो वो कह रहे हैं, तो अब मैं किसी पे देखें, मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकती, या मैं किसी की ज़ात पे कोई झूठी बात तो नहीं कर सकती, या मैं किसी को दरमियान में झूठा वो तो नहीं कर सकती कि मैं मुझे फ़लाँ शख्स ने अंदर भेजा है, या फ़लाँ शख्स ने मुझे वो लेके गया, या फ़लाँ शख्स ने वहाँ पे, अब वहाँ तक मुझे कोई नहीं लेके गया, मेरे पीछे कोई नहीं था, मैं खुद अपने बिहाफ पे गई हूँ, अकेले गई हूँ और अपने उसमें गई हूँ, तो मैं कैसे बता सकती हूँ किसी के बारे में कि वो बंदा जो था तो मुझे। अब मैं उन औरतों की तरह तो नहीं हूँ कि जिन्होंने आके मतलब कोई भी ऐसी मुश्किल या कुछ भी ऐसा आया तो दूसरों को उन्होंने तनकीद का निशाना बना दिया, ये दूसरों के बारे में उन्होंने ये कह दिया कि फ़लाँ शख्स मुझे लेके गया था। मुझे ऐसा कोई शख्स भी नहीं लेके गया, okay. मुझे किसी ने ऐसा कोई हेल्प आउट नहीं किया, मैंने कोई मतलब पहले से मेरा कोई स्केड्यूल नहीं था, okay. पहले से मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैंने वहाँ पे जाना है, मैंने वहाँ पे मिलना है। मुझे पता चला जब अचानक से कि वहाँ पे हैं, तो वो तो सबको पता चल रहा होता है कि खान साहब इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, शाह साहब कहाँ पे हैं, वो तो मतलब मीडिया पे आ रहे होते हैं, आपको खुद भी पता हो रहा होता है कि किस वक्त उनकी किस से मुलाकात हुई। तो मुझे मेरे इलम में था कि वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो मैंने कहा मैं उनसे मुलाकात कर लेती हूँ, और उनसे मिलने के लिए गई थी और वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मेरी okay. उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, और मैं वहाँ पे वीडियो बनाया, और वीडियो का मुझे नहीं पता था, मेरे इलम में भी नहीं था कि ये बात जो है तो इतनी बढ़ जाएगी, या मेरी तो आदत है हर मतलब आपने उसको शेयर करना रूटीन के मुताबिक, मतलब सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो भी मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैं शेयर कर रही होती हूँ, कोई मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मैंने वैसा किया। तो अगर वहाँ पे मुझे कोई रोकता या मुझे कोई मना करता तो आप रुक कभी जाती भी ना करती, तो आप रुक जाती हैं, आप ना करती हैं वीडियो, सही बिल्कुल, है अच्छा। देखें किसी भी जगह के, हर जगह के अपने कुछ रूल हैं, वहाँ हर जगह अपनी एसओपीज होती हैं, आप हर किसी को फॉलो करने भी चाहिए, ना मालूम हो तो एक अलग बात है। हरीम, आपने जिस तरह कहा कि ना पहले से स्केड्यूल था, ना ईमेल, ना कोई कॉन्टैक्ट, आपको मालूम हुआ वहाँ पर हैं, आप चली गई, किसी ने रोका नहीं, आप आराम से गए, वीडियो बनाए, मालूम होता ना बनाती। ये बता दें, एक सवाल ये भी है, वीडियो बना कौन रहा था, साथ कौन था? मैं ये भी बता चुकी हूँ कि जब मैं वहाँ पे एंटर हुई तो मतलब वहाँ पे मैंने किसी को कहा था कि मेरी पिक्स बनाएं, जरा मेरी हेल्प कीजिएगा, तो मैंने उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने मेरी पिक बना दिया, और फिर मैंने कहा मेरी वीडियो बनाए, तो उन्होंने वीडियो बना दिया, तो बस इतना ही उनसे मेरी मुलाकात हुई, जो उन्होंने मेरा मोबाइल पकड़ा और मैंने उनसे तस्वीर बनवाई। अगला विजिट आपका कहाँ है? के बारे अगली में वीडियो कहाँ है आपकी, ये बता दें। अच्छा, कहाँ जाएंगी, ऐवान-ए-सदर जाएंगी, तो जाएंगी, पीएम हाउस जाएंगी, कहाँ जाएंगी? जो किस्मत और मुकद्दर और नसीब में हुए, ख्वाहिश तो क्या है पता होना कि कल तक वो जिंदा। ख्वाहिशात तो बहुत सारी होती हैं, जरूरी तो नहीं होता कि हर ख्वाहिशात इंसान की दुनिया, लेकिन हम जो ऑप्शन दे रहे हैं उसमें से पिक कर लेना। हरीम, पीएम हाउस या ऐवान-ए-सदर? और आसान कर देते हैं, इमरान खान साहब या फिर अलवी साहब या उनकी कुर्सी। देखिए खान साहब को तो क्यों नहीं, खान साहब से तो मैं मिलना चाहती हूँ और इंशाल्लाह जरूर मिलूंगी उनसे, अगर मेरे उसमें हुआ, ये तो मेरी सबसे बड़ी। कोई पिक्चर आपकी गो के पुरानी पिक्चर है, वो पुरानी पिक्चर हम इस वक्त चला भी रहे हैं खान साहब के साथ, एक तो ये, मैं एक और पिक्चर की बात कर रहा हूँ, वो पिक्चर कब की है जिसमें आप खान साहब के बिल्कुल साथ खड़ी हैं, वाइट कपड़ों वाली? इस पिक्चर में खान साहब आउट ऑफ कंट्री थे, दुबई में थे, तो ये मेरी वहाँ की पिक है, वहाँ पे मेरी उनके साथ मुलाकात। कितनी बार वैसे आपकी पिक्चर बनी इमरान खान साहब के साथ, कितनी दफा? गिनना पड़ रहा है, 3-4 दफा इंशाल्लाह। एक बार दुबई और बाकी पाकिस्तान जी, और जी एक दफा बनी गाला गई थी उनके घर में। इन पिक्चर्स में ना हरी दो बातें कॉमन है, एक मिनट बनी गाला कब गई थी हरीम? मुझे याद नहीं है अब कब गई थी, रमजान को याद नहीं होता, यानी उस वक्त वो पीएम नहीं थे, लेकिन मतलब इतनी पुरानी बात नहीं, हाँ पीएम नहीं थे लेकिन इतनी पुरानी बात नहीं है, लाइक
तब भी आप इसी तरह आराम से चली गई, किसी ने रोका नहीं, इसी तरह आपने आईडी कार्ड दिखाया, अंदर चली गई कि इमरान खान सबसे मिलना मिल लिया और वापस आ गई, इट वॉज दैट सिंपल जैसे कि कल था। जी बनी गाला में गई थी तो वहाँ पे मुझे क्यों रोकते कि खान से नहीं मिलना या आप मिल नहीं सकते या खान साहब आपसे मिलेंगे नहीं, खान साहब तो अपने वर्कर्स से भी मिल रहे होते हैं, खान साहब तो सबसे मिलते हैं जो भी उनसे मिलना चाहे। अच्छा आप पिक करती हैं शामिम कुरैशी साहब को, आप पिक करती हैं इमरान खान साहब, यानी उनसे मिलना मेड बी बनी गाला दुबई या पाकिस्तान का क्रॉस पॉट जहाँ पर ये मौजूद हों, तो कोई नज़र करम कोर्ट लखपत की तरफ नहीं है, एमएलएन रहनुमा कोई तो हो जो जिनकी तरफ आप जाना चाहे? कोर्ट लखपत में मेरी बात सुनने इतने बड़े बड़े और इतने अजीम लोग चले गए और मैं अगर चली गई तो कोई इतनी वो बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे लोग हैं या हमारे तो पाकिस्तान में ये ऐसे ही होते हैं। वो मैं हरीम पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि पीएमएलएन रहनुमा ये कहते हैं कि हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, तो मैंने कहा शायद आप उन्हें समझा सकेंगे, इट्स वेरी इजी जस्ट गो मीट देम कम बैक जस्ट लाइक यू नो आप गई शामिम कुरैशी साहब से मिलने तो कहीं पर जा सकती हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि कोर्ट लखपत में मैं किस से मिलने जाऊँगी, वहाँ पर मेरा काम है? नहीं मैं तो पीएमएलएन नवाज शरीफ साहब है, तबीयत खराब है, आप अयादत करने को जा सकती हैं बीइंग पाकिस्तानी। देखिए बिल्कुल अयादत दुआ कर सकती हूँ, अल्लाह तबारक व ताला उनको सेहत दे और अल्लाह तबारक व ताला उनको हयात दे, दुआ उनके लिए कर सकती हूँ। और मुझे तो दुख होते हैं, मुझे उनकी बीमारी का भी सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मुझे मैंने तो उनके लिए दुआ भी की थी, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि हरीम इस वीडियो के बाद ज़ाहिर है एक तरफ तो तनकीद की बात हमने की, लेकिन क्या किसी ने गवर्नमेंट लेवल पर आपसे कांटेक्ट करके पूछा कि आप क्यों गईं और किसने फैसिलिटेट किया, क्योंकि अब तहकीक की बात भी हुई क्योंकि ये बातें हुई? देखिए कोई भी बात किसी को भी पहुंचती है जब मिलती है या कोई भी न्यूज़ बनती है तो उसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन होती है, बहुत मबालगाराई हो जाती है और वो बात जब डिफरेंट पीपल डिफरेंट अंदाज से कर रहे होते हैं तो वो सुनने वाला हर मतलब अपने ही एक तरीके से उस बात को कैच कर रहे होते हैं। मुझे किसी की तरफ से कोई थ्रेट कॉल नहीं आई, मुझे किसी की तरफ से कोई वो नहीं हुआ कि आप ही ऑफिस आए तो हमारे लिए ये मसला बने या कुछ, मुझे किसी भी तरफ से कोई इस तरह की वो नहीं आई। मैं तो रात को भी बहुत आराम से सोई और मैं भी कल भी हो सकता है आपको कोई कॉल आया, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंक्वायरी हो रही है इस मामले पर? देखें अभी तक मुझे कोई कॉल इसके बाद मैं क्या कह सकती हूँ, देखें जब कोई काम होता है तो तभी इंसान को पता चलता है, अभी तक तो मुझे ऐसी कोई कॉल मसूल नहीं हुई या इस तरह की कोई बात हुई नहीं है, तो मैं वक्त से पहले क्या कह सकती हूँ। अगर ऐसा होता है कोई कांटेक्ट करता है कि इमरान खान साहब ने कहा कि इंक्वायरी होगी तो आप फैसिलिटेट करेंगे, जिस तरह आपने हमें बताया कि ये सारा मामला था इसी तरह आप बिल्कुल बताएं? जी बिल्कुल बताऊंगी, देखें जो बात हकीकत में मबनी है जो सच है वही बताऊंगी ना, अब झूठ में बोलूंगी नहीं या किसी का कोई ये चाह रहा है कि मैं किसी का नाम ले लूंगी या कोई किसी और इंसान को उसमें मैं इन्वॉल्व कर लूंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ऐसा मतलब जो भी मुझसे पूछना चाह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं किसी को क्या बताऊं, तो जो सच था मैंने उनको बताया, अगर उन्होंने भी मुझसे पूछा तो मैं उनसे यही बात करूँगी जो मैंने आपसे की। थैंक यू हरीम, आप जो बात साथ थी हकीकत में वो बात है। थैंक यू हरीम, आप हमारे साथ थी और हमने पूरा मौका इसलिए भी बात करने का दिया है क्योंकि जो तनकीद हो रही है उसका जवाब होना चाहिए आपकी तरफ से और आपने पूरी पूरी बात की। बहरहाल फोन आ सकता है पूछा जा सकता है क्या? पॉइंट नंबर वन फोन आ सकता है, पॉइंट नंबर टू कोई भी जा सकता है भाई। यस वो कहते हैं बहुत आसान है, एनीवेज फिलहाल आसान हमारे लिए क्या है, ब्रेक लेना।